रोशन जी, आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है, आपको ध्यान है फर्स्ट टाइम आप आए थे जब आपका ये पेरिफेरल विजन कितना सुखड़ गया था? जी सर, बहुत से खराब हुआ था सर, है ना? 1.5 इंच के सर्कमफेरेंस में, 2.5 इंच के सर्कमफेरेंस में, 1.5-2 इंच के सर्कमफेरेंस में ये था, दिखाई देता, और आज ये बढ़ के करीब 8 इंच का सर्कमफेरेंस हो गया है, 8.5 इंच का कैसे हो गया है। आपको डेली लाइफ में कुछ फर्क महसूस होता है? जी सर, अब कॉन्फिडेंस आया सर, चलने में कॉन्फिडेंस आया है, चलने फिरने में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। जी सर। रोशन जी, पहले आपका जो पेरिफेरल विजन था, आपने ध्यान है आपको कितना था? सर करीब 1.5-2 इंच के सर्कमफेरेंस में, और आज कितना हो गया है देख रहे हैं आप? जी सर, आज तो सर करीब 8.5 हो गया है। 8.5 इंच का सर्कमफेरेंस आपको हो गया है, बहुत सारी बधाई हो आपको, 4 गुना वृद्धि हुई है। ये कौन सा कोर्स लिया है आपने? सर हमने लिया था 30,000 का, ये तीसरा कोर्स है आपका, तीसरा कोर्स है, और इसमें आपको 4 गुना की वृद्धि हो चुकी है पेरिफेरल विजन में, और डिस्टेंस विजन भी करीब करीब 20 फिट बढ़ गया है दोनों आंखों। जी जी, तो बहुत सारी बधाई हो, धन्यवाद। अब आपको चलते फिरने में डेली लाइफ में क्या फर्क महसूस हो रहा है? सर अब कॉन्फिडेंस आया है, अब रोड चलने में दिक्कत उतना नहीं होता जितना पहले होता था। अभी गाड़ी चलाना तो शुरू नहीं किया? सर गाड़ी तो नहीं चलाता हूँ, लेकिन पैदल चल लेता हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस से चलता हूँ। तो भीड़ भाड़ में ये वो इस समय आपको ऐसा महसूस तो नहीं होता है कि मैं टकरा जाऊंगा? नहीं सर, अब उतना डर नहीं रहता जितना पहले रहता था। सीढ़ी चढ़ने उतरने वगैरह में? उसमें भी सर सुधार देखने को मिला है। देखने को मिला, आप कॉन्फिडेंटली चल पाते हैं, आपको डर तो नहीं लगता गिर जाऊंगा? नहीं सर, डर नहीं लगता। तो बहुत सारी बधाई हो आपको। जी सर। रोशन जी, आपका राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है। जी सर। इसमें भी करीब डबल से ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया आपको थर्ड कोर्स के बाद। हाँ, करीब कितना है सर्कमफेरेंस था फर्स्ट डे आपको? ये करीब 3.5-4 इंच, और ये आज आप बढ़ के करीब 8.5 इंच का हो गया है। बहुत सारी बधाई हो। जी, आपको बीमारी क्या बताई थी? सर डॉक्टर ने आरपी बताई थी। ये तो मनुष्य की आंखों में अनेकों बीमारियां हैं, जिनका वैज्ञानिक आदिकाल से उपचार खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु आज तक उसका सही सटीक उपचार नहीं खोज पाए। इन्हीं रोगों को असाध्य रोग कहा जाता है। इनमें से कुछ बीमारियां जैसे इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है, रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकार। कहाँ दिखाया था आपने? सर मैंने चेन्नई शंकर नेत्रालय में दिखवाया, और मैंने कई जगह अपने शहर में दिखवाया, एक्यूपंक्चर भी करवाया था वेद प्रकाश बंगा जी से। कहाँ पर? दिल्ली में। उसके बाद मुझे कहीं राहत नहीं मिला, बहुत डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन सब ने कहा कि कोई उपचार है नहीं। तो दिल्ली में एम्स में भी गए थे क्या? जी सर, एम्स में भी मैं गया था। तो क्या कहा गया था वहाँ भी? कहा गया यही कि कोई उपचार नहीं है। कोई उपचार नहीं है। डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ कैसे आए? सर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, मैंने फिर उनसे कॉल करके बात किया तो मुझे विश्वास हुआ, तो मैं आकर उपचार ले रहा हूँ पिछले 2 महीना से। तीसरी कोर्स है मेरा ये, और इसमें सकारात्मक सुधार देखने को मिला है। सकारात्मक सुधार कितना हुआ है? करीब करीब 2 गुना हो गया। 2 गुना, और लेफ्ट आंख में 3 गुना करीब आपको। जी सर। इम्प्रूवमेंट आया है। जी सर। ठीक, दूर की रोशनी भी बढ़ रही है, पास की रोशनी कम्प्लीट है। जी। कलर्स आपको दिखना शुरू हो गए हैं। जी सर। है ना? जी। करीब 90% आप कलर प्लेट सही बता रहे हैं। जी सर। जो कभी आपको दिखा नहीं करता था। नहीं करते। बहुत सारी बधाई हो आपको। धन्यवाद। आप पूरे देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इस बीमारी का तो अभी तक उपचार नहीं था, लेकिन ऋषभ जैन से दिखवाइए। डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन में है, इनका यहाँ क्लिनिक है, यहाँ आकर के उपचार कराएं, आपको निश्चित फायदा होगा। जो असाध्य बीमारी कही जा रही थी हर जगह 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 आपने सारी पेथी में दिखाया। जी सर। है ना? इवन एक्यूपंचर तक करवाया आपने। कितने दिन तक पंचर करवाया आपने? सर करीब 4 दिन मैंने कराया। 4 दिन मैंने करवाया। 4 दिन कराया था। कहीं कोई उपचार, कोई राहत, कोई फायदा नहीं हो रहा था? आयुर्वेद में भी दिखाया था कहीं? जी सर, संजीवन नेत्रालय दिल्ली में दिखवाया था। कितने समय इलाज किया? 2 वर्ष। 2 वर्ष वहाँ पे इलाज करने के बाद आपकी रोशनी खत्म होती चली जा रही थी? जी सर, मेरा फील्ड ऑफ विजन लॉस हो रहा था। फील्ड ऑफ विजन आपका खत्म हो गया था, दूर की दृष्टि कम हो रही थी, कलर ब्लाइंडनेस आपको हावी हो गया था, आ गई थी। जी। और कलर्स देखने में डिफिकल्टी आपको हो रही थी। जी। आज विश्व की 2 बीमारी से आप जीतना शुरू किए हैं, जीत चुके हैं करीब करीब। कौन कौन सी हैं वो? सर आरपी और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और कलर ब्लाइंडनेस में आपने विजय हासिल करना शुरू कर दिया है। जी सर। डबल रोशनी होना, जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी रोशनी डबल फिर बढ़ सकती है, फिर बढ़ेगी कुछ भी, क्योंकि सभी जगह आपको क्या कहा गया था? सर सभी जगह मना कर दिया गया कि कोई उपचार नहीं है। कोई उपचार नहीं था, आप हताश निराश होकर बैठे हुए थे। जी सर। और इस बीच में आपने जो वीडियो देखे। जी। और वीडियो पे विश्वास करके कि मैं जैसे आया हूं सर, दूसरे लोग ठीक हो रहे हैं, मैं भी ठीक
हो सकता हूँ। उस विश्वास को आज क्या हुआ, आपको क्या लगता है? सर, उस विश्वास को बल मिला है आज और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, उपचार हमारा ठीक हो रहा है। तो आप सभी भाई बहनों से कहेंगे कि? जी सर, बिल्कुल कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, कोई भी अगर समस्या हो, आरपी का हो, कलर ब्लाइंडनेस का हो, मैकुलर डिजेनरेशन हो, आप उज्जैन में आए, डॉक्टर ऋषभ जैन से दिखवाएं, आपको निश्चित सुधार होगा। ये हॉस्पिटल उज्जैन में है, उज्जैन कहाँ पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश भारत। मध्य प्रदेश भारत पे विश्व का पहला अस्पताल है सर। जी सर, यहाँ उपचार किया जा रहा है सफलतापूर्वक इस बीमारी का, असाध्य बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। आपने तीन बीमारी बोली, तीनों बीमारी विश्व में असाध्य कही जाती है। जी सर जी, है ना जी। इन असाध्य बीमारियों में रोशनी यहाँ बढ़ रही है। जी सर, और आप कई लोगों से मिले होंगे इन तीन कोर्स में आने के बाद? जी सर, बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तकरीबन सभी लोगों ने आपसे क्या कहा? सर, सभी ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, सभी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिया है। किसी को कम, किसी को ज्यादा, पर फायदा सबको हुआ है सर, सबको आ रहा है। जी तो बधाई हो आपको और आपके परिवार को। धन्यवाद सर, आपकी रोशनी बढ़ना शुरू हुई, आप में आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ा। जी सर, और अब आपको लगता है कि मैं वापस जीवन में उसी तरह वर्क रोशनी हासिल कर सकता हूँ। रोशनी हासिल करने के बाद क्या करेंगे? सर, काम करेंगे जीवन, हाँ, जीवन सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे और कुछ अचीवमेंट लाएंगे देश और दुनिया के। ठीक, बेस्ट ऑफ लक। आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। क्षिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में विचरण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य में स्थित गोपाल मंदिर छत्री चौक के पास एक हॉस्पिटल है। शहर के प्रमुख मार्केट पटनी बाजार में उज्जैन नेत्र चिकित्सालय।